अमलियात के बादशाह यूट्यूब चैनल में आप भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप भाइयों ने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला नया अमल आप भाइयों को मिलता रहे। आज के अमल में मैं आपको एक सिफली तरीका, एक सिफली मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर आप भाइयों को कोई भी ऐसा काम जो नाजायज़ है या जायज़ है, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, बेशक आप से किसी से आपका काम ना हुआ हो या आप भी बहुत जो है वो उकता गए हो, आपका काम रुका हुआ, आपने वो इस अमल से काम करना है एक बार और गारंटी से आपका काम होगा। आसान अमल है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले बता दूँ कि ये सिफली अमल है, ये काला इलम है, तो आप इससे अपना काम ले सकती हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब अमल है। अब कैसे करना है, अपने किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप भाइयों ने एक कब्रस्तान ढूंढना है, मुसलमानों का कब्रस्तान आपने ढूंढना है। उसके बाद आपको एक गोश्त का टुकड़ा चाहिए, किसी भी जानवर का गोश्त हासिल कर सकते हैं, गोश्त का टुकड़ा हाथ के बराबर हो, बेशक आप मुर्गी का गोश्त ले आए, एक हाथ के बराबर टुकड़ा आपको उसका चाहिए। वो आपने लेके दिन के वक्त, किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं, सिर्फ दिन के वक्त ही अमल होगा। दिन के वक्त किसी भी टाइम आप कब्रस्तान में चले जाएँ और वो जो टुकड़ा है गोश्त का, वो आपने एक कब्र पर खड़े हो जाना है, किसी भी कब्र पर चले जाएँ आप, उस कब्र के आपने पाँव वाली साइड पे बेशक किसी भी साइड पे, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड पे आप दफना दें उसे। थोड़ा सा उसमें जो है वो खोल के कब्र को थोड़ा सा खड्डा डाल के उसमें आपने इसे डाल देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, थोड़ा सा खोदना है कब्र को, उसमें डाल देना है। ये डालने के बाद फिर आपने खड़े होके ये मंत्र पढ़ना है जो आप भाइयों के सामने दिया जा रहा है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। इसके पढ़ने की तादाद है 188 बार, यानी 188। ये आपने पढ़ना है, ये जैसे लिखा है ऐसे ही पढ़ना है। और ख्याल रखना है कि पढ़ते हुए आपके करीब कोई बंदा नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप अकेले होने चाहिए। जैसे आपने पढ़ लिया उसके बाद आपने जो भी काम है अपने कब्र वाले को हुक्म देना है कि मेरा फलां बिन जो है मेरा फलां काम करो आप, वरना मैं ये कब्र से आपकी किसी गोश्त का टुकड़ा नहीं निकालूंगा। तो अगर तो आपका आसान काम होगा, नॉर्मल काम है, आधे घंटे घंटे के अंदर हो जाएगा। अगर कोई मुश्किल है 2-4 घंटे के अंदर होगा। अगर बहुत मुश्किल है जो किसी से नहीं हुआ तो वो जो अमल, वो जो आपका काम है वो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, बेशक कितने मुश्किल काम ना हो। ये आपने ऐसे करना है। और ये भी एक बात जहन में रखनी है कि जैसे काम हो जाए आपने वो गोश्त का टुकड़ा निकालना नहीं है, वो वहीं पे पड़ा रहने देना है जहाँ पे आपने उसे दफनाया है। अगर निकाला तो काम फिर ख़राब हो जाएगा, तो उसे वहीं पे रहने देना है आपने, वरना आपका काम बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम ले सकते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीका है। जब आपका काम कहीं से ना हो रहा हो, आप एक बार ख़ुद ट्राई करें, आपका काम हो जाएगा। इस अमल को करने की इजाज़त आम है, सिर्फ वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस अमल की इजाज़त है। और अगर आप अपना कोई भी जायज़ नाजायज़ काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं या किसी भी जिन परियमजाद का ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।